दोस्तों, ऐसे तो मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मेरा बहुत सारा फ्रेंड है। उसमें इंजीनियर भी है और मैकेनिकल फिटर भी है। सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो बना के क्लीन समझा देते हैं, कुछ कुछ मैकेनिकल का भी वीडियो डाल दीजिएगा, तो हम लोगों का भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा बन जाएगा। आज दोस्तों, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका वायर रोप लगता है, वायर रोप कब आपको चेंज करना है, किस तरह से चेक करना है, कौन सा कंपनी का क्रेन में कितना mm का वायर रोप लगता है, जब आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो किस तरह से आपको जवाब देना है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। जैसे दोस्तों, एक आपका एवोन कंपनी का क्रेन है, तो ये जो आपका 25 टन है इसको हम लोग मेन होस्ट बोलते हैं, और जो 10 टन है ये आपका एक्जुलरी होस्ट है। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका एवोन कंपनी का क्रेन है, जो आपका 25 टन का कैपेसिटी है, इसमें आपका कितना mm का वायर रोप लगता है ना, इसमें आपका 20 mm का वायर रोप लगता है और कितना लंबा लगता है ना, 180 मीटर लगता है। अभी जो ये 180 मीटर है या 410 मीटर है या 97 मीटर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका कूपी लगा हुआ रहता है, कूपी के ऊपर किसी में देखिएगा 6 वाला रहता है, किसी में आपका 4 वाला रहता है, किसी में आपका 8 वाला रहता है। जैसे इस जगह में जो आपका एक्जुलरी होस्ट है एवन कंपनी का क्रेन में 18 mm का वायर रोप लगा हुआ है, कितना मीटर लगता है ना, 97 मीटर लगता है। इसका मतलब है मेन होस्ट में दूसरा कोई कूपी लगा हुआ है और एक्जुलरी होस्ट में दूसरा कोई कूपी लगा हुआ है, सेम टू सेम दोनों लगा हुआ नहीं है। इसीलिए एक में आपका 180 मीटर लग रहा है और एक में आपका 97 मीटर लग रहा है। जो आपका WMA का क्रेन है 60 बाय 20 टन, तो इसमें जो 60 टन है ये आपका मेन होस्ट है, मेन होस्ट में आपका 22 mm का वायर रोप लगता है, कितना मीटर लगेगा ना, 410 मीटर लगेगा। और जो आपका 20 टन कैपेसिटी है एक्जुलरी होस्ट, इसमें आपका 20 mm का वायर रोप लगता है। तो जो आपका मेन होस्ट है इसमें आपका 410 मीटर और एक्जुलरी होस्ट में आपका 200 मीटर। ये दोनों चीज़ आपको अच्छा से याद करके रखना है कि जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कंपनी का क्रेन था, कितना mm का वायर रोप लगता था और कितना मीटर लगता था। इसके बाद आ जाता है दोस्तों साइको कंपनी का क्रेन। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एक कंपनी का क्रेन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो इस जगह में जितना सारा क्रेन का कंपनी लिख के रखा हूँ यही देखिएगा, आपको ज़्यादातर स्टील प्लांट में मिलेगा। अभी जो आपका साइको कंपनी का 15 बाय 10 टन का क्रेन है, इसमें जो आपका मेन होस्ट है जिसमें आपका 15 टन का कैपेसिटी है और एक में आपका 10 टन का कैपेसिटी है, दोनों में ही आपका 16 mm का वायर रोप लगा हुआ है। एक में आपका 186 मीटर लगता है, एक में आपका 92 मीटर लगता है। जो आपका इलाइट कंपनी का क्रेन है 10 बाय 10 टन, इसमें मेन होस्ट और एक्जुलरी होस्ट में दोनों में ही 18 mm का वायर रोप लगा हुआ है, कितना मीटर लंबा है ना, 97 मीटर, दोनों में ही मेन होस्ट और एक्जुलरी होस्ट। जो आपका फेडरल कंपनी का क्रेन है इसमें सिर्फ एक ही गो कॉपी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन होस्ट, इसमें आपका 18 mm का वायर रोप लगा हुआ है, कितना लंबा है ना, 130 मीटर। अभी इस जगह में आ जाता है WMA का 100 बाय 20 टन, तो 100 टन जिसमें आपका लोड उठेगा यह हमारा क्या है, मेन होस्ट है। मेन होस्ट में आपका कितना का वायर रोप लगा हुआ है, 28 mm का वायर रोप लगा हुआ है, कितना मीटर आपका लंबा है ना, 450 मीटर। और जो इसका 20 टन कैपेसिटी का है एक्जुलरी होस्ट, इसमें आपका 20 mm का वायर रोप लगा हुआ है, कितना मीटर, 180 मीटर। जो इलाइट कंपनी का 10 टन का कैपेसिटी का क्रेन है इसमें भी एक ही कूपी है जो आपका मेन होस्ट है, इसमें आपका 18 mm का वायर रोप लगा हुआ है और कितना लंबा है, 65 मीटर। तो जिस तरह से दोस्तों इस जगह में एक लिस्ट बनाकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस लिस्ट को अच्छा से आपको याद करके रखना है
के कोई भी कंपनी का क्रेन के बारे में पूछे, वायर रोप के बारे में कि कितना एमएम का वायर रोप लगता है, तो बहुत आसान तरीका से आप बता सकते हैं। इसके बाद वायर रोप कब आपको चेंज करना है और किस तरह से आपको चेक करना है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वायर रोप ऐसे नॉर्मल में चेक नहीं करते हैं, मतलब अनलोड में चेक नहीं करते हैं, लोड में चेक करते हैं। किस लिए कि पूरा जो सीलिंग रोप है ये पूरा टाइट हो जाएगा, उसके बाद आपको वर्नियर से चेक करना है कि पहले हमारा कितना एमएम था ना, इस जगह में हमारा 28 एमएम था, एक 100/20 टन, मतलब 100 टन जिसमें लोड उठ रहा था ये हमारा 28 एमएम का लगा हुआ था, और जो 20 टन है इसमें आपका 20 एमएम का लगा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सेफ्टी बना हुआ रहता है कि इसका जब आपका 10% ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपको वायर रोप जो है वो आपका नया लगा देना है। इसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ना, एक 100 टन का जो क्रेन है, 100 टन का क्रेन में आपको चेक करना है कि शुरू में कितना एमएम का लगा हुआ था ना, 28 एमएम का वायर रोप लगा हुआ था। अभी इसको क्या करना है, 28 / 10, तो इसमें कितना आ जाएगा ना, 2.8 एमएम। अभी ये जो 2.8 एमएम है, ये वायर रोप घिस के जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वायर रोप नया लगा देना है, तभी आपका क्या होगा, वायर रोप में सेफ्टी बना हुआ रहेगा। अगर इससे ज़्यादा जब आप चलाने जाइएगा, इसीलिए देखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में सीलिंग रोप लगा हुआ रहता है वो टूट के किसी के ऊपर गिर जाता है, और उसी में आपका ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर आप वर्नियर से पहले चेक कर लिए हैं कि नया में हमारा 28 एमएम था, इसके बाद 28 / 10% कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 2.8 एमएम। जैसे आप वर्नियर में चेक कर लिए कि 2.8 एमएम हमारा घिस गया है, तुरंत आपको नया सीलिंग रोप लगा देना है। इसके बाद जैसे दोस्तों एक्जुलरी होस्ट है, एक्जुलरी होस्ट में हमारा 20 एमएम का लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वही सेम टू सेम 20 लिख दिए, 20 लिखने के बाद डिवाइड बाई 10% कर दिए, ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2.0 एमएम। अभी जैसे ही आपका 2.0 एमएम कम हो जाएगा वायर रोप वर्नियर से, जब आप चेक कीजिएगा, तुरंत आपको सीलिंग रोप चेंज कर देना है, मतलब एक दिन, दो दिन, या पाँच दिन, या दस दिन, ऐसे टाइम लेके आपको चेंज कर देना है। 10 दिन के अंदर में अगर चेंज कर दीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर 15 दिन के अंदर में चेंज कर दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 2.0 एमएम है या 2.8 एमएम है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब आप वर्नियर से चेक कर लिए हैं तो आपको तो कन्फर्म हो गया कि हमको सीलिंग रोप चेंज करना है। अभी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दस दिन, कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी कोई कोई कंपनी टाइम से मंगा नहीं पाता है। और अगर इस सेफ्टी को आप फॉलो नहीं करते हैं, कंटिन्यू एक ही सीलिंग रोप को कंटिन्यू चलाते रहते हैं, किसी न किसी दिन आपका टूट के नीचे गिर जाएगा, और इसी के चलते क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि वायर रोप कितना परसेंट घिसने के बाद आपको चेंज करना है, तो आपको बताना है 10%, इससे ज़्यादा नहीं बताना है। कोई कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोल देता है, लेकिन आपको पहले सेफ्टी देखना है, सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि इस जगह में किसी में आपका 180 मीटर है, किसी में आपका 97 है, किसी में आपका 410 मीटर है, किसी में आपका 200 मीटर है, ऐसा क्यों, तो आपको क्या बताना है कि कोई आपका 4 वाला कूपी रहता है, कोई आपका 6 वाला कूपी रहता है, कोई आपका 10 वाला कूपी रहता है। इसी के चलते जो आपका वायर रोप का लेंथ है वो छोटा बड़ा होता है। अगर जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो मैं जिस तरह से आपको बोल रहा हूँ सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब इस टाइप से कोई कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा, और जिस तरह से मैं लिस्ट बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस लिस्ट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तब भी आपको जवाब देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज जो मैं मैकेनिकल का वीडियो बनाया, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि कुछ कुछ मैकेनिकल का वीडियो बना दीजिएगा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग का अच्छा बन जाएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप,
इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।